हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, महुआ मांझी, झारखंड में इन चार चेहरों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जिनके दम पर जेएएम सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की करते हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के बरहेट से मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई नेता नहीं है, इसलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया। हेमंत सोरेन कल नामांकन करने वाले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार तलाश रही है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री लुईस मरांडी को बरहेट से लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ऑफर ठुकराया बल्कि जेएमएम में जाकर शामिल हो गए। दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और अपने परिवार में शामिल किया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हेमंत के खिलाफ ताल ठोकने की बात करते रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर कोई आगे नहीं आ रहा। हेमंत सोरेन ने पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में बरहेट और दुमका दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। बाद में दुमका सीट से इस्तीफा दिया और इस सीट पर उपचुनाव में उनके भाई बसंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, तो गांडेय से कल्पना सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जिन मुनिया देवी को उतारा है, वो कमजोर उम्मीदवार मानी जा रही है। वैसे बीजेपी के नेता हेमंत और कल्पना को बंटी बबली बताकर निशाना साध रहे हैं और सत्ता से विदाई का दावा कर रहे हैं। तो हमें झारखंड को ये बंटी बबलू सरकार से बाहर निकालना होगा। नरेंद्र मोदी जी झारखंड का जुबाऊ और माँ को न्याय देगा। बीजेपी का दावा अपनी जगह, लेकिन एक सच्चाई जो सामने है वो ये कि हेमंत सोरेन सधे कदमों के साथ सियासत कर रहे हैं। जिस रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव मैदान में बड़े चेहरों को उतार कर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, वही फॉर्मूला जेएमएम ने अपना लिया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद और जेएमएम की तेज तर्रार नेता महुआ मांझी को रांची से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महुआ 2014 और 2019 में इसी सीट से चुनाव हार गई थी। 1996 से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार रांची सीट से चुनाव जीत रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।